children, standard second, subject Gujarati, revision. Take your Gujarati notebook and write paper style in your notebook last page. एग्जाम में गुजराती के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आज हम रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चित्र ओड़की तेना नाम लखो एंड क्वेश्चन नंबर 2 खूंटता अक्षर लखो। टेक योर गुजराती टेक्स्ट बुक एंड योर नोटबुक। एग्ज़ाम के अंदर आपको गुजराती की टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक रिफ़र करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें लिखना है चित्रों ओड़खी तेना नाम लखो। आपको पिक्चर्स नोटबुक के अंदर ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर दिए गए पिक्चर को पहचानिए और उनके नेम पिक्चर के नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर लिखिए। फर्स्ट पिक्चर कौन सा है उसे पहचानिए। पपाया जिसे गुजराती में क्या कहते हैं। पपैयू तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है प पई यू पपैयू। सेकंड पिक्चर कौन सा है पहचानिए उसे। यह है अम्ब्रेला जिसे गुजराती में कहते हैं छतरी। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है छतरी। थर्ड पिक्चर कौन सा है ये है गौतम बुद्ध। तो हमें वर्ड लिखना है गौतम। नंबर 4 वाला पिक्चर कौन सा है मैंगो जिसे गुजराती में कहते हैं कैरी। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है कैरी कैरी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ पिक्चर कौन सा है पहचानिए उसे। ये है तोता और उसे गुजराती में क्या कहते हैं। पैरट को गुजराती में क्या कहते हैं पोपट। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है पो प ट पोपट। इसके बाद यहाँ पर हमें एक फ्लावर का पिक्चर दिया है वो फ्लावर कौन सा है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है सूर्यमुखी। इसके बाद वाला पिक्चर कौन सा दिख रहा है ये है रैकेट। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिखना है रैकेट रैकेट। इसके बाद वाला पिक्चर कौन सा है पतंग काइट। तो गुजराती वर्ड लिखिए पतंग। प ट के ऊपर बिंदु एंड ग पतंग। इसके बाद वाला पिक्चर कौन सा है जलेबी। तो यहाँ पर वर्ड लिखना है जलेबी जलेबी। एंड लास्ट पिक्चर कौन सा है मंकी। मंकी को गुजराती में क्या कहते हैं वांदड़ो। तो यहाँ पर वर्ड लिखना है वांदरो। इस तरह से आपको पिक्चर्स के नेम लिखने हैं जो पिक्चर है उनका नेम। फर्स्ट पिक्चर पपैयू सेकंड छतरी थर्ड गौतम फोर्थ कैरी फिफ्थ नंबर पर है पोपट सिक्स नंबर पर है सूर्यमुखी सेवन नंबर पर है रैकेट नंबर 8 पर है पतंग फिर नंबर 9 पर है
जलेबी एंड जो नंबर 10 पर है वो है वांद्रो। ओके, इस तरह से आपने पिक्चर्स के नेम लिख लिए हैं। अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। खूंटता अक्षर लखो, यहाँ पर दिए गए लेटर के मिसिंग लेटर आपको लिखने हैं। और जब आप मिसिंग लेटर लिख रहे हो तो लेटर के साथ कौन सी मात्रा ऐड की है वही मात्रा आपको आंसर में भी ऐड करनी है। नंबर 1, ज ओ जो डैश टो डैश डो, यहाँ पर लेटर जो के बाद कौन सा लेटर आएगा। ज, ज में ओ की मात्रा, जो, फिर है टो, टो के बाद कौन सा लेटर आएगा, लेटर ठो, और उसके बाद आता है डो। जो, जो, टो, ठो, डो, जो लेटर दिया है उस लेटर के साथ जो मात्रा है वही मात्रा आपको ऐड करनी है। नंबर 2 पर है प ब म, यहाँ पर मात्रा है अंक की मात्रा, तो आंसर में भी हमें अंक की मात्रा ऐड करनी है। प के ऊपर बिंदु पंग डैश, ब के ऊपर बिंदु पंग डैश, म के ऊपर बिंदु मंग। अभी प के बाद कौन सा लेटर आता है, लेटर फ, तो फ के ऊपर हमें बिंदु डालना है, फंग, ब, ब के ऊपर बिंदु है, ब के बाद कौन सा लेटर आएगा, भ, तो भ के ऊपर भी हमें बिंदु डालना है, भंग, और लास्ट लेटर है मंग। इसी तरह बाकी के लेटर में भी आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं और जो मात्रा है वही मात्रा हमें मिसिंग लेटर के साथ ऐड करनी है। आपको आंसर लिखते समय फर्स्ट लेटर जो है उसे ध्यान में रखकर मात्रा ऐड करनी है। ओके, नंबर 3 पर है कौ डैश गौ डैश चौ। 4, भे डैश ये डैश ले। नंबर 5, त डैश द डैश न। नंबर 6, कई डैश गई डैश चई। नंबर 6, 7, घो डैश छो डैश जो। नंबर 8, डाउ डैश अणाउ डैश थाउ। नंबर 9, बाउ डैश माउ डैश राउ। नंबर 10, ऊ डैश रो डैश आई। नंबर 11, शम डैश सम डैश अणम। नंबर 12, म डैश र डैश व, जिसके आंसर आपको इस तरह से लिखने हैं। जो मिसिंग लेटर है उसके आंसर मात्रा के साथ अच्छे से ध्यान में रखकर लिखना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लेटर नंबर 2 बार आया है, जैसे कि नंबर 3 में कौ गौ और चौ आया है और नंबर 6 में भी कौ कई गई और चई आया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो लेटर है तो वो लेटर 2 बार आया है, लेकिन उसमें मात्रा चेंज है, मतलब कि वो डिफरेंट है। तो हमें एकदम ध्यान से इसके आंसर लिखने हैं। ओके, जो जो टो ठो डो, पंग फम बम भम मम, कौ खौ गौ घौ चौ, भे मे ये रे ले, त थ ड ध न, कई खई गई घई चई। नंबर 7, घो चो छो जो जो, डौ ढौ अणौ टौ ठौ, बौ भौ मौ यौ रौ, ऊ ऊ रु ए ऐ, शम शम सम हम अणम। नंबर 12, म
य र ल व। होमवर्क, कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन योर नोटबुक। आपने रिवीजन के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखे हैं वो आपको होमवर्क में 1 टाइम कॉपी करने हैं। थैंक यू।